ये देखो दोस्तों, ये जेसीबी 3D मशीन, अभी 3DX आ रहा है। ये 3D मशीन बहुत ही पुराना मॉडल मशीन है और ये मशीन का देखिए ब्रेक का प्रॉब्लम है, तो आज इसका एक्सल को डिसमेंटल करेंगे। तो एक्सल को डिसमेंटल करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं 3D और 3DX में क्या डिफरेंस था। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मशीन है 3D, देखिए आज भी ये चल रहा है। ये 2004 का मशीन है, 2004 का ये मशीन है और ये आज भी चल रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, कभी ब्रेकडाउन नहीं होता है, बहुत ही कम ब्रेकडाउन है इसका। ठीक, 3D काफ़ी कम ब्रेकडाउन होता था क्योंकि इसमें सब चीज़ इलेक्ट्रिकल नहीं था। ठीक, और बहुत कम ही इलेक्ट्रिकल इसमें यूज होता था। तो चलिए देखते हैं। देखिए 3D मशीन में बैटरी के लिए यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगता है। ठीक, और इसमें जो है किलोस्कर इंजन दे रखा है, सेल्फ देखिए, सेल्फ काफ़ी बड़ा साइज़ का है, बहुत ही बढ़िया सेल्फ है, बहुत ही कम ब्रेकडाउन होता है, सेल्फ ख़राब होता है। और इनका देखिए, जिसे फेंडर जो है, इसको फेंडर बोलते हैं, ये अपना ये स्टील का ही दिया हुआ है। तो देखिए इसका एक्सल को उतारने के लिए ना ये यहाँ पे दे रखा है आई बोल्ट, इसको आई बोल्ट बोलते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, ये आई बोल्ट को लॉक करने के लिए यहाँ पे देखिए पहले से दो या वेल्डिंग दिया हुआ है गुटका टाइप का, जिससे कि अपने को ऊपर में पकड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है पाना को, ये अपने आप लॉक हो जाता है और केवल नीचे से ही खोलने से ये खुल जाएगा। काफ़ी स्ट्रांग एक्सल है, बहुत ही चौड़ा दिया हुआ है इसका, जैसा 3DX में थोड़ा पतला टाइप का दे रखा है। ये 3D है, बहुत ही स्ट्रांग एक्सल है, कभी इसका हाउसिंग कभी टूटता नहीं है। और देखिए पीछे का स्विंग सिलेंडर वगैरह जो है ना, ये बूम स्टिक सब 3DX जैसा दे रखा है और 3DX का सील इसमें फिटिंग हो जाता है, क्योंकि ये भी विप्रो का ही सिलेंडर लगा हुआ है इसके अंदर और साइज़ एक ही है। थोड़ा सा इसका रॉड सील का फर्क आता है सिलेंडर वगैरह में। बाकी कंट्रोल वाल्व देखिए, कंट्रोल वाल्व भी वैसी 3DX जैसा दे रखा है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें। चलिए ये देख लीजिए, ऐसा दे रखा है कंट्रोल वाल्व। स्विंग सिलेंडर भी 3DX जैसा ही दे रखा है। स्विंग सिलेंडर का सील जो है 3DX और 3D दोनों सेम, एक ही जैसा और एक ही पार्ट नंबर में लग जाएगा। देखिए इसका पीछे का जो डोर का जो डिज़ाइन दिया है ना, ये जैसे डोर जो है पीछे का, ये काफ़ी बढ़िया दिया है। आज भी देखिए इतना पुराना हो चुका है, लेकिन ये डोर अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, अभी भी बढ़िया काम करता है इसका लॉक सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है इसका स्लाइडिंग डोर जो है। लेकिन 3DX का डैमेज हो जाता है, जल्दी टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। और लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया दे रखा है। अभी जो न्यू मॉडल में जो आ रहा है 3DX का, वो बहुत ही बढ़िया दिया है। और देखिए इसका ये लोडर आर्म जो है ना, काफ़ी बढ़िया इसका दे रखा है, ये जल्दी ख़राब होता नहीं है। क्यों ख़राब नहीं होता है इसका, देखिए ये अंदर से दोनों साइड से ये पकड़ दे रखा है, जबकि 3DX में ऐसा नहीं है। 3DX में केवल बाहर से ऐसे पिन के द्वारा ये फंसा हुआ है, यहाँ बीच में देखिए दोनों मिल जा रहा है सपोर्ट, इसके लिए पिन भी बहुत कम ख़राब होता है और लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा आता है। इसलिए बोलते हैं 3D मशीन बहुत कम जो है ब्रेकडाउन होता है और मेंटेनेंस फ्री मशीन है। तो देखिए इसका एक्सल को उतारने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, चलिए उसको देख लेते हैं क्या क्या खोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक पाइप लगा हुआ है, ये मेटल का यहाँ पे ब्रेक पाइप दिया है, ये ब्रेक पाइप को अपने खोल लेना है। ये जो ब्रेक पाइप है इसको ब्रेक पाइप बोलते हैं, ठीक, इसको खोल लेना है। इसके बाद जो है शाफ्ट को खोलना है, ड्राइव शाफ्ट, देखिए ये ड्राइव शाफ्ट है, इस टाइप का ड्राइव शाफ्ट दिया है, तो ये ड्राइव शाफ्ट को अपने खोल लेंगे। उसके बाद जो है ना ये आई बोल्ट वगैरह खोलना है और इसको कैसे नीचे उतारते हैं इतना बड़ा एक्सल को, ये सब देखने जानने के लिए बने रहे आप हमारे साथ वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सल को हमने खोलने के लिए हमने क्या किया, ये जो बोल्ट जो था आई बोल्ट जिसको बोलते हैं, ये बोल्ट को हमने ढीला कर दिया है, ढीला करके जैसे इस पोजिशन पर कर दिया, जैसे ये हाथ से ऐसे आराम से ये खुल जाए, इस पोजिशन पर इसको ला के मैंने रख दिया है। ठीक, तो ऐसे में अपने चारों बोल्ट को इसी पोजीशन पे ला कर रख दिया। इसमें चार बोल्ट माउंट होता है, एक बोल्ट इधर है और एक बोल्ट यहाँ पे, ये देखिए
ठीक, दो बोल्ट हो गया और दो बोल्ट दूसरे साइड में, ठीक, ऐसे करके चार ही बोल्ट को अपने लूज कर दिए। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में किसी भी चीज़ का सपोर्ट दे देंगे। तो इस जगह पे अपने सपोर्ट देने के लिए साइड पे क्या होता है, ऐसा टायर है, ये टायर को यही अपने ये बीच में सेंटर में ला करके इसको सपोर्ट देंगे, ठीक। तो ये देखिए अपने टायर को रख दिया है यहाँ बीच में सेंटर में। और अभी क्या करेंगे, मशीन को डाउन करेंगे, मशीन को डाउन करके और ये जो एक्सल है ना, एक्सल को टायर के ऊपर ला के रख देंगे। और देखिए कैसे करते हैं, बने रहे। तो अभी देखिए मशीन को ऐसे डाउन करके और एक्सल को टायर के ऊपर में रख दिए, मतलब माउंट करके इसको सपोर्ट दे दिया है ये टायर के ऊपर में। और अभी ये बोल्ट को आराम से, नट बोल्ट को जो है ना, आई बोल्ट जो है, इसको आराम से अपने खोल सकते हैं। तो इसको खोल के बाहर कर लेते हैं। ये जितना भी बोल्ट है ना, चार इसका माउंटिंग बोल्ट होता है आई बोल्ट, चारों बोल्ट को खोल के बाहर कर लेते इसको। देखिए ठीक उसी तरह ये दूसरे साइड का भी जो है ना, इन जो बोल्ट जो था इसको अभी खोल लेंगे, ठीक। इसको खोल के बोल्ट को बाहर कर लेते हैं आई बोल्ट को। इसको पहले से इसलिए ढीला कर लिए थे कि इसको खोलने में सुविधा होगा, नीचे पाना लगाने में तकलीफ होता है डाउन कर देने के बाद। तो देखिए अभी मशीन को अभी शिफ्ट करेंगे, दिया स्टेबलाइजर दिया, उठा मशीन के। और उठा और उठा, तभी देखिए अपना एक्सेल जो पूरा निकल चुका है। और अभी मशीन को यहाँ बकेट के सहारे से ऐसे जैकअप करके और मशीन को शिफ्ट करेंगे। ऐसे करके अपने बहुत ही आराम से एक्सल को उतारते हैं, ऐसे देखिए ऐसे जैकअप करके। तो ये देखिए अपना कंप्लीट एक्सल इस टाइप का होता है। और मशीन को एक्सल खोलने के बाद कैसे अपने शिफ्ट किए वो भी आपने देखा, बहुत ही आसान तरीका से एक्सल को खोल पाते हैं हम लोग। और अभी क्या है, इसको डिसमेंटल करना है। इसको डिसमेंटल करने के लिए देखिए यहाँ पे 24 नंबर का राउंड बोल्ट लगा हुआ है, ये सभी राउंड बोल्ट को खोलना है दोनों साइड से। और ये देखिए ये पूरा सेट जो है ना, इसको टेल क्राउन हाउसिंग बोलते हैं, ये इसके अंदर ही टेल क्राउन, स्टार गियर, बाइबल वगैरह सब फिट होता है। और ये साइड वाला जो है ना, इस देखिए इसके अंदर जितना भी बोल्ट लगा है ना राउंड बोल्ट, वो सभी बोल्ट को खोलेंगे और साफ सफाई भी कर लेते हैं। साफ सफाई करने से अंदर क्या डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। और ये एक्सल एक्चुअली वहाँ पर था, काफ़ी धूप हो रहा था अंदर में बाहर में, इसलिए इसको अंदर लेके आ गए शेड के अंदर में। और यहाँ पे खोलने में सुविधा होगा, ठीक। ये देखिए ये जितना भी बोल्ट लगा है, ये 24 नंबर का राउंड बोल्ट है, ये सभी बोल्टों को खोलेंगे और आपको फिर बताऊंगा इसका ब्रेक प्लेट वगैरह कैसे लगा था, कहाँ पे लगा है, ब्रेक प्लेट अच्छा है या ख़राब है, कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बताऊँगा आपको। और टेल क्राउन भी खोल करके देखना है, टेल क्राउन के अंदर में क्या प्रॉब्लम था। काफ़ी पुराना एक्सल है, बहुत दिन हो गया, ये कभी खुला नहीं है, कभी खुलता ही नहीं, ब्रेकडाउन ही नहीं होता है। लगभग 6-7 साल के बाद अभी इसको डिसमेंटल कर रहे हैं, 8-9 साल के बाद। इससे पहले 8-9 साल पहले मैंने इसको डिसमेंटल किया था। और अभी देखिए ये हब में इसका प्लैनेट गियर का ये बैरिंग वगैरह खा गया है, घिस गया है, बैरिंग जिसे टूट गया, डैमेज हो गया, ठीक। ये प्लैनेट गियर का बैरिंग भी चेंज करना है, हालांकि एक ही बैरिंग डैमेज हुआ है, लेकिन अभी क्या करेंगे, 6 के 6 बैरिंग को अपने चेंज करना है, क्योंकि ये हो गया 8 साल, आठ साल से यही बैरिंग चल रहा है। तो अपने ऐसे ही करते हैं,
जो सामान खराब नहीं है उसको भी चेंज करना है, जो टूटा नहीं है उसको भी चेंज करना है, क्योंकि ये फिर अभी असेंबल होगा तो कम से कम 8 से 10 साल इसका लाइफ रहे, और 8 से 10 साल के भी अंदर फिर कभी कोई बड़ा मेंटेनेंस नहीं मांगे। ठीक है, चलो चलो, ये बोल्ट नहीं भांगे। खींची दियो और लगाओ, खींचो खींचो, देखिए इसका ये ब्रेक प्लेट है जिसको फ्रिक्शन प्लेट बोलते हैं, और इसके ऊपर एक काउंटर प्लेट लगा हुआ था ये इस टाइप का, इसका काउंटर प्लेट हो गया। और ये देखिए यहाँ पे पिन लगा हुआ है, इसको ड्यूल पिन बोलते हैं, इस टाइप का 3 पिन होता है, एक देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये ड्यूल पिन का काम क्या है मैं फिटिंग करते समय बताऊँगा। एक्चुअली ये लॉक करके रखता है, किसको लॉक करता है मैं बताऊँगा कैसे लॉक करता है। ठीक, ड्यूल पिन देखिए पूरा ऐसा सेट रहता है, ये बीच वाला जो गियर, इसको सन गियर बोलते हैं, ब्रेक सन गियर बोला जाता है इसको। ब्रेक प्लेट तो ठीक लग रहा है, और देखिए ये 10 साल हो गया, 8 से 10 साल हो चुका है ये ब्रेक प्लेट का, अभी तक ब्रेक प्लेट घिसा नहीं है। ये अपना जेसीबी का ओरिजिनल प्लेट का कमाल। ठीक, और यही अगर बाहर का प्लेट होता या किसी और कंपनी का प्लेट होता तो 10 साल तक कभी किसी भी मतलब मशीन का ब्रेक प्लेट नहीं चल सकता है। ठीक, इस टाइप का पूरा बंच में ये बना रहता है। चलिए, और ये देखिए ये काउंटर है, इसमें 6 काउंटर और 5 फ्रिक्शन होता है ब्रेक प्लेट में, 6 काउंटर और 5 फ्रिक्शन होता है। और ये देखिए इसका ब्रेक पिस्टन, इसको बोलते हैं, ये इसका ब्रेक पिस्टन है, और यहाँ पे ब्रेक पाइप लगा हुआ था इस जगह, यहाँ से जैसे ही वो ब्रेक पैडल अपने करते हैं ये ब्रेक पिस्टन जो है आगे की ओर ऐसे आता है, आगे की ओर निकलेगा, और ब्रेक प्लेट और काउंटर प्लेट को, फ्रिक्शन प्लेट और काउंटर प्लेट को आपस में ऐसे मतलब पूरा वो जाम हो जाता है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है। इस ढंग से ये काम करता है ब्रेक। ये जेसीबी 3DX और 3D और जितना भी मतलब अपना जेसीबी का जो भी बैकहो लोडर मशीन है सभी सिस्टम में ऐसे ही काम करता है। जितना भी मशीन है ना सबका एक्सल, वो जेसीबी हो, LNT हो, कैट मशीन हो, सबका ब्रेक सिस्टम जो है यही इसी सिस्टम पे मैकेनिज्म पे काम करता है। इधर से जैसे ऑयल सप्लाई दिए, ब्रेक पैडल जैसे ही अप्लाई करेंगे पिस्टन अपना निकलता है और फ्रिक्शन काउंटर आपस में जकड़ जाता है और वो जाम हो जाता है, स्टक होकर के रह जाता है और ब्रेक अप्लाई होता है। LNT मशीन हो, JCB हो, कैट हो, टेरेक्स हो, महिंद्रा हो, जो भी मशीन हो सभी मशीन में इस ढंग से ब्रेक अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये एक्सल रॉड है, ये एक्सल रॉड जो है ना, देखिए इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, खींचो खींचो एक्सल रॉड, देखिए एक्सल रॉड है पूरा लंबा सा, ये एक्सल रॉड है एक्सल निकला, और ये सन गियर के बीच में ये एक्सल रॉड अपना लगा हुआ होता है, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा वो एक्सल को ऐसे पूरा जाम करके रख देता है। इस ढंग से अपना ब्रेक अप्लाई होता है इसके अंदर में। ये देखिए अपनी ब्रेक पिस्टन को अभी बाहर करेंगे। ब्रेक पिस्टन को बाहर करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे किसी भी चीज़ को रख करके थोड़ा सा ऐसे पुश कर देंगे, ये ब्रेक पिस्टन अपना बाहर निकल जाएगा। इसमें कोई ऐसा लॉक वगैरह लगा नहीं होता है। ये देखिए इसका ब्रेक पिस्टन सील, इसको बोलते हैं, ये इनर सील है ब्रेक का और ये आउटर सील है, इसमें 2 सील लगा होता है, और ये पूरा कंप्लीट असेंबली को ब्रेक पिस्टन बोलते हैं, और ये ब्रेक पिस्टन हाउसिंग हो गया।
देखिए ये एक सील हुआ, एक सील यहाँ पर है, ये जो ब्लैक कलर का जो है ऐसे राउंड, ठीक कर दो। देखिए ब्रेक हाउसिंग को बाहर करने के लिए ना यहाँ पे दो एलिंगी बोल्ट दिया हुआ है, एक एलिंगी बोल्ट यहाँ पे है, एक एलिंगी बोल्ट उधर है। ये दोनों बोल्ट को खोलने से ये ब्रेक हाउसिंग अपना निकल जाएगा। और यही चीज़ 3X में क्या है ना, ये चार बोल्ट दिया हुआ है, एलिंगी बोल्ट जो है ना चार पीस दिया हुआ है, चार टू चार कोना में। और ये 3D मशीन है, इसमें एक ही पीस दिया है। और LNT कैश वगैरह में उसमें करारों का एक्सल लगा होता है और उसमें एक ही पीस दिया है, उसमें काफ़ी लंबा बोल्ट होता है। तो इससे पहले हमने वो करारों का जो है ना बना वीडियो बना रखा है, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जो कि करारों एक्सल, LNT मशीन, कैश मशीन, ठीक, और कैट मशीन, महिंद्रा मशीन, ये सभी मशीनों में वो यूज होता है एक्सल करारों का। तो यदि आप उसका वीडियो अगर देखना चाहते हो, फुल असेंबल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसे बैरिंग पकड़ के उठाना पड़ेगा, तो पूरा टिल कराऊं ऐसे, काफ़ी ज़्यादा बाबरी था अंदर में, तो अपने देखेंगे बाबरी कहाँ से आया, क्या चीज़ का बाबरी था, ठीक। ऐसे बैरिंग अभी अपना ठीक है, बैरिंग तो ठीक लग रहा है। देखिए इसके अंदर में जो है ना यहाँ पे स्टार गियर और बाइबल गियर जो भी बोलते हैं, इसके अंदर फिट होता है स्टार गियर सेट। इसके अंदर में फिटेड है स्टार गियर सेट, तभी उसको वायर करेंगे। यहाँ उसको खोलने के लिए देखिए यहाँ पे 16 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, ये 6 पीस बोल्ट होता है, 8 पीस बोल्ट है, ये 8 पीस बोल्ट होता है। ऑटो उस बोल्ट को खोलेंगे, ऑटो बोल्ट को 16 नंबर का बोल्ट पाना से स्पिनर से इसको खोलते हैं। लेकिन पाना बोलने का मतलब हमारा स्पिनर से होता है, हम लोग यहाँ पे बचपन से ही स्पिनर को पाना बोलते आ गए, ठीक। चलिए इसको अभी खोलते, लग रहा है स्टार गियर सेट अपना डैमेज हो गया है, उसी चीज़ का बाबरी सब तरफ फैला हुआ है। देखिए अपना तेल पिनियन, ये तेल पिनियन भी ठीक लग रहा है, बैरिंग वगैरह सब ठीक लग रहा है, यहाँ पे कोई साउंड नहीं हो रहा है, इसको मूव करने से कोई साउंड नहीं आ रहा है, किस तरह कोई प्ले नहीं है, इसका मतलब ये बैरिंग भी ठीक है, ठीक। और जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है इसके अंदर ही दिख रहा है, स्टार गियर सेट के अंदर, इसको भी खोल लेते हैं देख लेते हैं। देखिए ऐसा एक एक करके अभी जितना ही बोल्ट लगा था इसके अंदर में, ठीक, इसको टेन क्राउन सेट बोलते हैं, जो कि स्टार गियर, बाइबल गियर सब इसके साथ होता है। और ये टेन क्राउन है, ये टेन क्राउन हाउसिंग हो गया ये पूरा, ठीक, डिफरेंशियल केस बोल सकते हैं इसको। सब जगह पे अलग जगह पे अलग अलग इसका बोलते, अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल केस भी बोलते हैं, डिफरेंशियल हाउसिंग बोलते हैं, ठीक, स्टार गियर हाउसिंग बोलते हैं, स्टार बाइबल गियर सेट बोलते हैं, ठीक, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो देखिए सभी बोर्ड खुल चुका है और अभी इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हिम्मत से हल्का पीट देते हैं, ये निकल जाएगा। देखिए ऐसा करके इसको निकालते हैं और ये इसका हाउसिंग है। और देखिए अभी ये हाउसिंग खा गया है, यहाँ पे ये एरिया घिस चुका है पूरा, बहुत ही बुरी तरह से घिसा है। यह स्टार गियर का सेट है, यह स्टार गियर मतलब स्टार गियर के एरिया है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये एरिया खा चुका है यहाँ पे, ठीक, ये भी खा गया है, घिस गया है और ये भी बहुत बुरी तरह से डैमेज है। चलिए बाकी गियर वगैरह का पोजीशन देख लेते हैं। इसको सन गियर बोलते हैं, ये अपना सन गियर एक्चुअली, ठीक। और ये जितना भी ये दिख रहा है सब ये स्टार गियर है, इसमें 2 सन गियर और 4 स्टार गियर होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा घिस रखा है, थोड़ा थोड़ा डैमेज है,
बॉक्स है, और देखिए एक स्वर्ण गियर यहाँ पे, दो स्वर्ण गियर होता है अप डाउन, एक्सल को यहीं से ड्राइव मिलता है इसी स्वर्ण गियर के द्वारा। और बाकी स्टार गियर का काम जो है लोड को संभालना, जिधर ज़्यादा लोड पड़ेगा उस लोड को एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करना, स्वर्ण गियर का वही काम है, इसके लिए लगा होता है। लेकिन स्टार गियर सेट का मशीन में काम ही वही है टेल ग्राउंड का, जिस तरफ लोड ज़्यादा पड़ जाए एक दूसरे तरफ का, मतलब लोड को एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करने का काम है, जिसकी वजह से अपना एक्सल टूटे नहीं, एक्सल रॉड टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, या जब भी टर्निंग जो अपने मशीन को जो घुमाते लेफ्ट राइट, उस जगह पे एक चक्का ज़्यादा मूव होता है, एक जगह एक तरफ का वो टायर कम मूव होता है, चक्का जो है ना कम मूव होता है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए स्टार गियर सेट का यूज़ करते हैं सभी मशीनों में, सभी मशीन हो, ट्रक हो, बॉस हो, जो भी हो, हर चीज़ में टेल क्राउन का काम वही है। तो ये अभी देखिए, अभी टेल क्राउन को भी मैंने खोल दिया और टेल पिनियन को भी, तो ये खोलने का वीडियो मैंने पूरा मतलब कंप्लीट हो गया, जब असेंबल करूँगा तब तो उस समय मैं बताऊँगा किसका क्या काम है, और फिटिंग करते समय क्या सावधानी रखते हैं, किन किन चीज़ों का सावधानी रखना है, ब्रेक सील को कैसे लगाते हैं, ब्रेक सील फिटिंग करते समय कैसा सावधानी रखना है, ब्रेक हाउसिंग, और इसका प्ले जो है ना, बैकलेस प्ले जो बोलते हैं टेल पिनियन का, उसके बारे में बताऊँगा। तो सब जानने के लिए आप हमारा जो है ना असेंबलिंग का वीडियो ज़रूर देखिए जब वो अपलोड करूँगा तब, ये मेरा डिसमेंटलिंग का वीडियो था, और ये वीडियो अपलोड होने के ठीक 3 दिन के बाद जो है ना हमारा दूसरा वीडियो, इसका असेंबलिंग का वीडियो अपलोड होगा। तो वो सब देखने जानने के लिए आप बने रहे आप हमारे चैनल पे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, कुछ अच्छी अच्छी बातों को लिखे कमेंट में, जिससे कि मन खुश रहे और नेक्स्ट हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। इसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।